सारा ध्यान रखा जाएगा। खड़े होके बोलिए एक बार, क्या उम्मीद है आपको आपके समाज को इस सरकार से? मुझे तो सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जो हम, मैं सफाई कर्मचारी जाति से संबंधित हूँ, स्वच्छकार जाति से, और भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में सारी जातियों को घुसा दिया। काम कोई करता नहीं है जब हम उनको कहते हैं भाई सिवर में उतरो। लेकिन ये तो अच्छा हुआ ना कि अब समानता हो गई। सिवर में उतरते नहीं है ना सर, समानता, सब लोग समान है। दो महीने की भर्ती में आज आदमी तो ऑफिसों में लग गए, कोई चपरासी बन गया, कोई कंप्यूटर पे बैठ गया। और मुझे ये उम्मीद है पूरी की जो लगे हुए हैं अदर समाज के, वो सब कहीं ना कहीं दूसरी जगह एडजस्टमेंट हो जाएंगे। वो तो एक रास्ता बनाया उन्होंने। तो इस सरकार से उम्मीद क्या है आपको? अब इस सरकार से उम्मीद है, कांग्रेस सरकार जो आई है, एक तो जो बलात्कार जो हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उस बलात्कार के ऊपर इनको कब्जा करना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए बहुत कम समय में उनका निर्णय हो और जल्दी से जल्दी सजा उनको अदालत के अंदर हो, पहला काम तो ये हो। दूसरी बात बेरोजगारी की वजह से भी अलवर में 4 बच्चे ट्रेन के आगे मर गए, नौकरी मिलने के चांस है नहीं, मर जाओ। तो बेरोजगारी के ऊपर भी सरकार से उम्मीद है कि बेरोजगारी भी खत्म करेगी, और बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए सभी तबकों की। मैं एक तबके की बात नहीं कर रहा, हमारे तो राज से बंद ही कर दी है, सामाजिक समानता हमको मिली नहीं। हमारी समाज का बच्चा कोई चाय की दुकान लगा के बैठ जाए तो कोई चाय पीने नहीं आएगा, समोसे की दुकान लगा के बैठेगा समोसा खाने नहीं आएगा उस जगह। लेकिन जो नौकरी का हमारा नगर परिषद का एक रास्ता था। मनोज भाई, जैसा आपने कहा कि क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाएगी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ? जी बिल्कुल निश्चित रूप से अध्यक्ष जी, हमको तो बोलने की आजादी वैसे भी नहीं है। आपको समानता